लोकसभा चुनाव के बाद अब तक राहुल गांधी सिर्फ वायनाड के चक्कर ही काटते रहे। वायनाड में घूमे, सभाएं की और बाकी ट्विटर पर सियासत करते रहे। लेकिन अब वे एक बार फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी बिसात पर रैलियों का मोहरा चलने जा रहे हैं। 10 से 19 अक्टूबर तक राहुल गांधी इन दोनों राज्यों में प्रचार करेंगे। आखिर कांग्रेस के वे इकलौते स्टार प्रचारक जो हैं। लोकसभा चुनावों में सोनिया गांधी कहीं दिखी नहीं, लेकिन इस बार पार्टी की कमान उनके ही हाथों में है, इसलिए वे प्रचार भी करेंगी। लेकिन कब और कहां, अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल ये है कि अपनी रैली में राहुल गांधी का नया नारा क्या होगा। किसान कर्ज माफी का वादा तो वे राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर चुके, हाल क्या हुआ इस वादे का, क्योंकि कर्ज तो अब तक माफ हुआ नहीं। इसी वजह से दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी से आकर किसानों से माफी मांगने के लिए कहा था कि कर्ज माफ नहीं हुआ, वादा राहुल गांधी का था, इसलिए वे आकर माफी मांगे। जाहिर है इस तरह के झूठे वादे इस बार करने से बचेंगे। राफेल का स्टंट पुराना हो चुका है और इसका नतीजा भी वे देख चुके हैं। अब बात आर्टिकल 370 की। इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और राहुल गांधी अपनी पूरी फजीहत करा चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी बस प्रचार करने के लिए प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।